जल से उत्पन्न हुए गोमती चक्र माँ लक्ष्मी का प्रिय होने के कारण गोमती चक्र को अपने पास रखने से धन लाभ होता है। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। शंबुक या घोंघा सा दिखने वाले इस पत्थर का निचली भाग गोल सा और ऊपरी भाग चपटा सा है। ये सफ़ेद और लाल रंग में मिलते हैं। सफ़ेद रंग के गोमती चक्र हर पूजा, कार्य सिद्धि, आरोग्य वृद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वही लाल गोमती चक्र वशीकरण, शत्रुनाश और तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग होता है। यह चक्र गुजरात में द्वारका के समीप गोमती नदी में पाया जाता है और इसी वजह से इसका नाम भी गोमती चक्र पड़ा है। यूँ तो गोमती चक्र पूजा सामग्री बेचते हर दुकान में मिल जाते हैं या आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन प्रयोग करने से पूर्व इसे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं ताकि उसमें सिद्धिदायी शक्तियाँ आ जाएं। अभिमंत्रित गोमती चक्र का प्रभाव 100 गुना अधिक हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले गोमती चक्र की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसे करने से ही शुभ फल मिलते हैं। आपके यहाँ गोमूत्र अवेलेबल हो तो 11 गोमती चक्र और एक पीला कौड़ी उसमें थोड़ी देर के लिए डुबोएं। हमेशा ध्यान रखें कि चपटा पोर्शन यानी कि चपटा भाग जो है ऊपरी ओर होना चाहिए। गोमूत्र अवेलेबल ना होने पर गंगा जल में डुबोएं। गंगा जल भी अगर ना अवेलेबल हो तो अपने घर के शुद्ध पानी में थोड़ी देर डुबोएं। फिर एक साफ कपड़े से पोंछ दें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इसमें चक्रों को डुबो के रखें। कुछ देर बाद निकाल के पोंछ दें। यही इनकी शुद्धिकरण विधि है। ऐसा करने से उनका लाभ मिलता है। पूजा विधि, आपको 2 सरल पूजा विधि बताऊंगी। आप किसी शुभ दिन पर गोमती चक्र को पूजा मंदिर में स्थापित करें। शुभ दिन जैसे कि शुक्रवार को या एकादशी या पूर्णिमा तिथि या किसी पर्व दिन पर जैसे कि महालक्ष्मी व्रत, होली, नवरात्रि या दिवाली पूजा में इन्हें पहले बताए गए विधि से शुद्ध कर लें। माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गोमती चक्र स्थापित कर लें और धूप दीप जलाएँ। केसर की कुछ पंखुड़ियाँ थोड़े से दूध में भिगोएं, यानी कि कुछ 3-4 केसर की पंखुड़ियाँ 1 चम्मच दूध में भिगोएं। 5 मिनट में वो केसरिया रंग छोड़ेंगे। फिर गोमती चक्रों पर इस केसर का तिलक लगाएं। फिर इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करें। ओम ह्रीम महालक्ष्मी श्री चिरलक्ष्मी ऐं मम गृह आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दूसरी विधि, घर या ऑफिस या शॉप के मुख्य द्वार पे जहाँ नज़र सबसे पहले पड़ती हो वहाँ एक कांच की कटोरी में 11 गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी साथ में रखें। इस कटोरी में पानी डालते हुए ओम श्री सिद्धेश्वरी महालक्ष्मी नमः एक बार जाप करें। फिर कटोरी में थोड़ा सा जल डालें। फिर इसी तरह आपको टोटल 11 बार मंत्रोच्चारण करते हुए पानी डालना चाहिए, यानी कि ओम श्री सिद्धेश्वरी महालक्ष्मी नमः एक बार मंत्रोच्चारण किया, फिर थोड़ा सा जल डालें, फिर ओम श्री सिद्धेश्वरी महालक्ष्मी नमः मंत्रोच्चारण किया, फिर जल डालें। इस तरह टोटल आपको 11 बार मंत्रोच्चारण करते हुए पानी डालना चाहिए। अगले दिन इस पानी को बदलें। आंगन पर यह पानी छिड़कने से धन अभिवृद्धि होती है। बस हर महीने के अमावस्या पर गोमती चक्र और कौड़ी को पहले बताए विधि से शुद्ध कर लें। आप सिंदूर की डिब्बी में गोमती चक्र को रख सकते हैं। वैसे ही श्री यंत्र या फिर अष्टलक्ष्मी यंत्र के साथ भी रख सकते हैं। इसे अपने स्थान से हिलाए ना। जब भी मंदिर की सफाई हो तब उसको वहाँ से हटाकर सफाई करके फिर वही स्थान पर रख दें। प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो हर रोज़ एक गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दें और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। इस तरह लगातार 21 दिन करें, निश्चय ही प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। 11 गोमती चक्रों को लाल पोटली में बांधकर तिजोरी में अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें तो व्यापार उन्नति करता जाएगा।
घर के फाउंडेशन यानी कि बुनियाद में 11 गोमती चक्र गाड़ दें तो घर के सदस्यों की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए 11 गोमती चक्र और 11 लघु नारियल साथ में लेकर एक पीली वस्त्र में बांधकर अपनी पूजा कक्ष में रख लें। उनके सामने श्रीम श्रीये नमः का जप करें। इससे आप जो भी कार्य या व्यवसाय करते हैं उसमें बरकत होगी और आमदनी बढ़ने लगेगी। अपने जेब या पर्स में हमेशा 3 गोमती चक्र लेकर चलें। जब भी खास इंटरव्यू या कारोबार का डीलिंग हो तो आपका काम सफल होगा। 8 गोमती चक्र, 8 पीली कौड़ियाँ एवं 8 लाल गूंजा साथ लेकर उनका पूजन करें। उन्हें दक्षिणावर्ती शंख में थोड़े से चावल डालकर स्थापित कर दें। रात्रि में ही उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर अथवा व्यवसाय स्थल की तिजोरी में स्थापित कर दें। यह प्रयोग आपकी आय में वृद्धि के लिए है। 11 गोमती चक्र, 11 काली हल्दी, 1 सुपारी और 1 सिक्का पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें तो वर्ष भर तिजोरी भरी रहेगी। व्यापार स्थान पर 11 सिद्ध गोमती चक्र और 9 मुखी रुद्राक्ष लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें तो व्यापार में बढ़ोतरी होती जाएगी। और ये आखिरी दो उपाय, भाग्योदय के लिए 3 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर घर के बाहर छिड़क दें। राज्य सम्मान प्राप्ति के लिए 2 गोमती चक्र किसी ब्राह्मण को दान में दें।